लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अवामी तहरीक के 12 कारकुनान को बरी कर दिया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, अदालत ने क्या हुक्म दिया है? जी देखिये, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अवामी तहरीक के 12 कारकुनान को बरी कर दिया है। पुलिस ने सानिया मॉडल टाउन के 2 माह बाद अवामी तहरीक के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और जो सरकारी वकील है उनकी जानिब से अदालत में यह मौकफ इख्तियार किया गया कि सानिया मॉडल टाउन के मकतूलीन के जो 40वें में शिरकत के लिए आने वालों का पुलिस से आमना सामना हुआ और कारकुनान ने जबरदस्ती रुकावटें हटा दी थी और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया था। तहम जैसे ही केस कंप्लीट हुआ उसके बाद अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि दौरान ट्रायल मुलजमान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने नदीम, रमजान, जफर इकबाल, मुश्ताक, औरंगजेब, हाफिज मुदस्सर समेत 12 जो अवामी तहरीक के कारकुनान थे उन्हें बरी कर दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अवामी तहरीक के 12 कारकुनान को बरी कर दिया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, अदालत ने क्या हुक्म दिया है? जी देखिये, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अवामी तहरीक के 12 कारकुनान को बरी कर दिया है। पुलिस ने सानिया मॉडल टाउन के 2 माह बाद अवामी तहरीक के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और जो सरकारी वकील है उनकी जानिब से अदालत में यह मौकफ इख्तियार किया गया कि सानिया मॉडल टाउन के मकतूलीन के जो 40वें में शिरकत के लिए आने वालों का पुलिस से आमना सामना हुआ और कारकुनान ने जबरदस्ती रुकावटें हटा दी थी और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया था। तहम जैसे ही केस कंप्लीट हुआ उसके बाद अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि दौरान ट्रायल मुलजमान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने नदीम, रमजान, जफर इकबाल, मुश्ताक, औरंगजेब, हाफिज मुदस्सर समेत 12 जो अवामी तहरीक के कारकुनान थे उन्हें बरी कर दिया है।